नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों मिश्री खाने के बेमिसाल फायदों के बारे में और मिश्री किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद है। शक्कर के जमे हुए कण को मिश्री कहते हैं। मिश्री उत्पादन का मूल स्रोत भारत और पर्शिया है। मिश्री स्वाभाविक रूप से मिठास का दूसरा नाम है। किसी भी मीठी बात या सौम्य व्यक्ति को मिश्री की डली का विशेषण दिया गया है। अगर किसी की मीठी वाणी हो तो उसे कानों में मिश्री घोलना कहा जाता है। लेकिन मिश्री सिर्फ स्वाद से ही मीठी नहीं होती, बल्कि मिश्री के सेहत से जुड़े भी कई फायदे हैं। तो आइए जानते हैं उन फायदों के बारे में। मिश्री मुंह में बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता, इसलिए मिश्री को खाने के बाद सौंफ के साथ खाया जाता है। मिश्री को सौंफ के साथ खाने के बाद आपको तरोताजा महसूस होता है। यह एक बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर है। अगर आपको काफ़ी समय से खांसी या परेशानी हो, गले में खराश महसूस हो, तो मिश्री इस समस्या को दूर करने में काफ़ी सहायक है। ये आम सर्दी और उसके लक्षणों से राहत देने के लिए प्राकृतिक रूप से काम करता है, साथ ही आपको तुरंत राहत प्रदान करता है। अगर आपके बच्चे को खांसी की शिकायत हो तो उसे मिश्री का छोटा सा टुकड़ा चूसने को दें। आप देखेंगे कि बच्चे की खांसी ठीक हो रही है। मिश्री में मिठास और ठंडक दोनों गुण होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी वाले राज्य के होने के कारण दक्षिण भारत में मिश्री का प्रयोग ठंडा ताज़ा पेय बनाने के लिए किया जाता है। मिश्री को एक गिलास पानी मिलाकर पिया जाता है। इससे शरीर की स्फूर्ति का एहसास होता है और कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिलती है, क्योंकि यह ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आमतौर पर बदलते मौसम में बच्चे सर्दी और खांसी से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। खांसी से छुटकारा पाने के लिए कफ सिरप जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन मिश्री तुरंत राहत पाने वाले सबसे प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है। इसमें मौजूद आवश्यक पोषक तत्व कफ को साफ कर गले को आराम देते हैं। चीनी के जमे हुए कण को ही मिश्री कहते हैं, लेकिन मिश्री चीनी से कहीं अधिक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। इसलिए कन्फेक्शनरी में टेबल शुगर की बजाय मिश्री का उपयोग किया जाता है। लॉलीपॉप चॉकलेट से लेकर स्वीट ड्रिंक जैसे स्वीट मिश्री से ही बनाई जाती हैं। गर्म दूध में केसर और मिश्री मिलाकर पीने से शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है, साथ ही शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है और शरीर सुंदर बनता है। सौंठ और मिश्री को बराबर मात्रा में पीसकर इसका सेवन चूर्ण बना लें और इस चूर्ण में शहद की कुछ बूंदें मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें। इस गोलियों को चूसने से गला ठीक हो जाएगा और गले की खराश भी दूर होगी। मक्खन और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने से हाथों पैरों की जलन दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे मिश्री के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।